जो देश में पेट्रोल और डीजल डीजल की जो दाम आसमान छू रही है, इसका बुरा असर गरीब और मध्यमवर्गी छोटे मझोले के ऊपर जो पड़ रहा है, और जो बड़ी बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है, उसको तो खैर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो स्कूल कॉलेज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिल में भी आप पेट्रोल में आधा पेट्रोल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं, और नतीजा कुछ दिन के बाद गाड़ी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हम लोगों ने हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है, और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे, और संसाधन जैसे जैसे हमारा संसाधन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज्य के लोगों को हम लोग राहत देने का काम करेंगे, और जो भी हमारे संसाधन में आएगा वो राज्य के बीच में वितरण होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि खजाना खाली है तो आखिर ये कहाँ से बांट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्व की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंशा नहीं कि राज्य को कर्ज के बोझ में लादे रहना। आज हम लोगों ने वित्त प्रबंधन करते हुए, नए रिसोर्स जनरेट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तैयार किए हैं, जहां आज सरकार को जो रेगुलर इनकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया जिसके माध्यम से मात्र 10 रुपए के टैक्स में आज 100-200 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है, और आज के दिन से ही हम लोगों ने टोल टैक्स को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइंस मिनरल्स के माध्यम से जो ट्रकें हमारे सड़कें खराब करती है उनके सहयोग से एक बड़ा आय का सोर्स बनाने का, और इस राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने का काम में हम लोग लगे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो नए रिफॉर्म्स के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संसाधन भी जुटाएगी और राज्य में जन कल्याण कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाएं हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।